स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A train travels at a certain average speed for a distance 63 kilometers. So, अब आप एक काम करेंगे, इतने सारे क्वेश्चन हमने साथ में किए, अब इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो अब आप वीडियो पॉज कीजिए और अपने आप वो तीन चीज़ें मेंशन कीजिए, जो तीन चीज़ें हम इस इन हर टाइप के क्वेश्चंस के अंदर प्रेफर करते हैं ढूंढना, ठीक है। फर्स्ट थिंग, क्या क्या चीज़ें आपने लिखी फिर मुझे बताइए। यस, सो फर्स्ट वॉज डिस्टेंस, आई होप आपने डिस्टेंस लिखा, दैट वॉज 63 किलोमीटर्स। यस, फिर हम दो तरह की स्पीड आइडेंटिफाई करते हैं, स्पीड वन जो कि हमारी यूजुअल स्पीड होती है, और सेकेंड नंबर पे स्पीड या तो बढ़ती है या घटती है। यहाँ पर मेंशन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। यहाँ पर तो देखिए डिस्टेंस भी अलग अलग है, तो डिस्टेंस 63 किलोमीटर भी है और एक और डिस्टेंस है, उसको भी हम अलग से लिख लेते हैं। कौन सा डिस्टेंस है? दैट सेज टू बी 72 किलोमीटर्स। सो घबराना नहीं है, दैट स्टिल फाइन, हम कर सकते हैं इसको भी सॉल्व। ओके, इतने सारे क्वेश्चंस हमने किए, हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन क्वेश्चंस की। तो डिस्टेंस 63 किलोमीटर्स, डिस्टेंस 72 किलोमीटर्स, इस केस में स्पीड कितनी गिवन है? 72 किलोमीटर, है ना। तो एक काम करते हैं, इसकी जो स्पीड है वो लिख लेते हैं 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड मेंशन नहीं है, इसको हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। और दूसरे वाले केस की स्पीड कितनी है? मोर, यानी कि हमने इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया। तो आप कह सकते हैं इस केस में जो स्पीड है, सेकेंड नंबर की स्पीड, वो इंक्रीज कर दी गई है x के अंदर 6। तो ये x किलोमीटर पर आवर हो गई स्पीड, और ये स्पीड हो गई x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। दो तरह की स्पीड, दो तरह के डिस्टेंस, दो तरह के टाइम। इसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा मेरे पास? पहले केस में जो टाइम आएगा, टाइम वन, दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, विच इज 63 अपॉन x। तो मैं इसे मिडिल में लिख देती हूँ, 63 अपॉन x आएगा, ये भी टाइम है, इसको भी टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस केस में जो हमारा टाइम है वो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 72 अपॉन x प्लस 6, है ना। ये भी टाइम हो गया, ये भी टाइम हो गया। अब फिर देखते हैं क्या कहते हैं, इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कम्प्लीट टोटल जर्नी, वट इज़ इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड। अब टोटल जर्नी की बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें टाइम का डिफरेंस कंपेयर करने के लिए नहीं कहा गया। अगर टोटल जर्नी की बात हो रही है, इसका मतलब ये वाला टाइम और ये वाला टाइम टोटल मिला के 3 आवर्स का टाइम लगा, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, दोनों को हमने ऐड किया और लिख दिया 6, और कन्वर्ट कर लेंगे इसको इक्वेशन में। इन क्वेश्चन को करने का मेथड याद रखिएगा, हमेशा हम क्या करते हैं, या तो कॉमन लेते हैं, नहीं तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। मुझे पता है कि 63 और 72 में कुछ कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 9 कॉमन लेंगे तो ऊपर मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 7 अपॉन x, प्लस यहाँ पर बचेगा 8 अपॉन x प्लस 6, और इक्वल के यहाँ 6 है। मैं चाहूँ तो इस 9 को यहाँ पर भेज कर इनको डिवाइड करके और भी छोटा कर सकती हूँ। आप किसी भी मेथड से करेंगे आपको सेम सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं 9 को तो यहाँ भेज दूंगी, सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। 7 और x प्लस 6 मल्टीप्लाई होंगे, यानी हम x प्लस 6 को 7 के पास भेज रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से होगा, है ना। 8 हम x को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हमारे पास डेनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, विच मीन्स हम x प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। ये 9 हम इक्वल के यहाँ भेज रहे हैं, तो 6 अपॉन 9 बचा। इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, यहाँ बचेगा 7x प्लस 7 6 42 प्लस 8x। डेनोमिनेटर में x को मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसको थोड़ा हम डिवाइड कर लेंगे 3 से 2 बाय 3। क्लियर। अब क्या करें, अब हम इसे कन्वर्ट करने वाले इक्वेशन में, तो पहले 8x और 7x को ऐड कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन और प्रिसाइज हो जाए। तो ये बन गया 15x, ये दोनों x के थे इसलिए ऐड हो सकते थे, अभी तक तो माइनस हो जाते थे या सब्ट्रैक्ट होके ख़त्म ही हो जाते थे, बट दिस टाइम ये दोनों ऐड हो रहे हैं। प्लस 42 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर
plus 6x equals 2 upon 3. अब 3 को यहां मल्टीप्लाई करें और 3 को इस डेनोमिनेटर से हटा देंगे, तो ये हो गया 45x प्लस 3 को यहां मल्टीप्लाई किया 6, 126, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल के वहां पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 12x, राइट। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है हमें, 2x स्क्वायर यहाँ है, 12x यहाँ है, 45x इक्वल के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं सारी क्वांटिटीज इक्वल के वहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, यहाँ बचेगा 0। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की क्वांटिटी विच इज़ 2x स्क्वायर, एक्स वाली जो टर्म्स है यहाँ पर 12x पहले से है, प्लस का 45x यहाँ आया तो बचा माइनस का 45x, प्लस का 126 इक्वल के वहाँ शिफ्ट हुआ माइनस का 126। अब सॉल्व करते हैं, ये तो रह गया 2x स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, और नेगेटिव में आंसर आएगा, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, तो बचा 33x और यहाँ बचा माइनस का 126। यस, सो अब देखते हैं हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे। फैक्टर्स बनाने के लिए मुझे 126 को 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी कि मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी 126 इंटू 2, 252 होना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने पर या ऐड करने पर मेरे पास आना चाहिए 33। सो लेट्स सर्च फॉर सम नंबर्स। फर्स्ट थिंग है 126 के और फैक्टर्स बना लेते हैं, क्योंकि 2 तो है ही एक फैक्टर। 126 के लिए मैं अगर 2 से डिवाइड करती हूँ 6, तो एक तो बन गया 63 और एक बन गया 2 और एक 2, 63, 2 और 2, इससे मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। सो इसको और ब्रेक करते हैं, 7, 9, 2, 2, 14 और 18, नहीं बना, अभी भी नहीं बना, 36, नहीं बना। इस क्वेश्चन में इवेंचुअली आई फाइंड आउट कि एक मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पर 6 नहीं था, यहाँ पर 3 था, है ना। सो मुझे सारा हटाना पड़ेगा, सो लेट मी रब दिस होल, और यहाँ तक की कैलकुलेशन में हटा देती हूँ, क्योंकि ये जो पार्ट है ये एक्चुअल में 6 था ही नहीं, पता नहीं कैसे हो गया, ये सिर्फ 3 था जब मैंने नोट किया, आई थिंक तब आई मेड इट 3। तो ये हो गया 3/9, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा डिवाइड होने के बाद, बस अब मुझे यहाँ से ठीक करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ आई डिड इट, मल्टीप्लाई हुआ क्रॉस, तो यहाँ हो गया 45x प्लस 126, यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। अब करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये 45x मैं वहाँ भेजती हूँ, तो माइनस का 45x माइनस का 126 और यहाँ पर 0, मैंने सारी की सारी टर्म्स वहाँ भेज दी, तो यहाँ बचा इक्वल्स के 0। अब बनाते हैं फैक्टर्स, राइट, पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 45 में से 6 गया तो बचा मेरे पास 39, यस, और माइनस का 126। अब सोचते हैं 39 और 126 से क्या हो सकता है, 126 के फैक्टर्स हमने अभी देखे थे, लेट मी राइट इट हियर, 126 के फैक्टर्स हमने देखे कि हम इसे लिख सकते हैं 9 × 7 × 2 × 2, 4 और 63 से नहीं हो रहा था, 14 और 36, एक तो लेते 36, 9 × 4 = 36 और 7, ये भी नहीं बनेगा, और कुछ सोचे, वन ट्वेंटी सिक्स के फैक्टर्स करके देखते हैं, टू सिक्स या 12 है ना, फिर 7 और 9, तो ये बन सकता है 14 और 9, नहीं, सेवन टू थ्री थ्री, सेवन
टू और थ्री, ये तीनों साथ लेके देखते हैं, ये हो गया 42 और 3 फाइनली. सो 42 एंड 3 आर दी फैक्टर्स. कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिंपलेस्ट क्वेश्चन के अंदर ना बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं. सो इट्स ओके, इट हैपन्स विद एवरी वन. सो यहाँ हो गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस 39x की जगह लेट्स पुट 42x, ये नेगेटिव, और प्लस में हम रखेंगे 3x माइनस 126. अब सॉल्व कर लेते हैं. सो यहाँ हो गया 0, कॉमन लेंगे तो x यहाँ बचा, x माइनस 42, और प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी मेरे पास बचेगा x माइनस 42. ठीक है, और यहाँ पर जो दो फैक्टर्स बने, कौन कौन से फैक्टर्स बने, एक फैक्टर बना माइनस का 42 और प्लस का 3. जो नेगेटिव वैल्यू आएगी ये वाली वो हम रिजेक्ट कर देंगे और मेरे पास सिर्फ मुझे पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, x इक्वल्स 42. नेगेटिव वैल्यू वी हैव टू रिजेक्ट. सो दिस इज द आंसर.